नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण व्रत को लेकर आया हूँ जिसे तीज व्रत कहा जाता है। इसे हरतालिका व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत का महत्व क्यों है और कब मनाया जाता है, इसके संदर्भ में आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। तीज व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं, व्रत करती हैं। कहा जाता है सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने किया था। 108 वर्ष तक माता पार्वती ने घोर तपस्या की, तब भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। इस दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उसे कथा सुनना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन सुनना चाहिए। ऐसे तो भारतवर्ष में अनेक त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन देखा जाए तो तीज व्रत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठेकुआ पकवान बनाया जाता है, दूसरे दिन सुबह में पूजा पाठ की जाती है और इस तरह से आज भारतवर्ष इस व्रत को काफ़ी श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं। 14 वर्षों के बाद इस व्रत का विशेष महत्व है। 2021 में इसका विशेष महत्व बताया गया है और मैं उन सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो इस व्रत को कर रही हैं। देखा जाए तो इस व्रत एक कठिन तपस्या के समान है, क्योंकि महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं। अविवाहित इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मनचाहा पति की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इस व्रत को शुरुआत किया गया तो उसे हमेशा करना चाहिए। उस महिला के बदले और अन्य सदस्य भी इस व्रत को कर सकते हैं अगर वो महिला अस्वस्थ हैं तो दूसरे महिला के द्वारा इस व्रत को करना चाहिए। धन्यवाद।